देशहित में आज के बड़े सवाल। देशहित में सबसे पहले बात पाकिस्तान। भाई खबर ही ऐसी आई है, पाकिस्तान की गद्दी संभालने से पहले इमरान खान मीडिया के सामने आए। जिस हिंदुस्तान के विरोध में भाषण दे देकर सत्ता के करीब आए, उसी हिंदुस्तान से कहा आप एक कदम बढ़ाएं, हम दो कदम बढ़ाएं। तो क्या 24 घंटे के अंदर ईमानदार हो गए इमरान खान? आज देश हित में हम सबको शर्मसार करने वाली खबर भी दिखाएंगे। संसद से महज 12 किलोमीटर दूर देश की राजधानी दिल्ली में भूख से 3 बच्चों की मौत हो जाती है। हो सकता है इस वक्त आप भी खाना खा रहे हो, लेकिन दिल वाली दिल्ली में 8 दिन तक भुखमरी से लड़ने के बाद 3 मासूम मर जाते हैं। केंद्र ने जांच की बात कही, दिल्ली सरकार बोली सिस्टम नाका। आज देश कारगिल जीत पर विजय दिवस मना रहा है, लेकिन हम पूछते हैं भुखमरी के खिलाफ विजय दिवस कब मनाएंगे हम भारत के लोग? सियासी विजय का सपना वैसे शिवसेना भी देख रही है। दरअसल उद्धव ठाकरे अयोध्या और वाराणसी जाएंगे, जगह जगह शिवसेना ने पोस्टर लगाए हैं चलो अयोध्या। और आप ये जानते हैं कि अयोध्या और वाराणसी से बीजेपी का पुराना और तगड़ा नाता है। तो क्या 2019 से पहले बीजेपी पर दबाव डालना चाहती है शिवसेना? वैसे सिस्टम की पोल खोल देने वाला दबाव कुदरत का भी पड़ा है दिल्ली NCR पर। यहाँ थोड़ी सी ज्यादा बारिश क्या हुई, गाजियाबाद में सड़क धस गई, 64 फ्लैट खाली कराए गए। मतलब 2 घंटे की बारिश नहीं झेल पाने वाले शहर को किस बिना पर हम स्मार्ट सिटी कहेंगे? और उधर प्रशांत महासागर में कचरे की सफाई करेगी 600 मीटर लंबी ट्यूब। तो क्या नीदरलैंड्स के NGO से सबक लेकर स्वच्छ भारत में तेजी लाएगा इंडिया?